सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, हमने स्टार्ट कर दिया 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है? तो हमने स्टार्ट कर दिया ये वाला चैप्टर भी, और बाकी जो अपने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे पूरी बुक से, उसका सॉल्यूशन भी हम लगातार कराते चल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन है वो है, अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा रखा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष अक्ष को कभी कभी अनुदैर्ध्य बोल देता है, पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक सूत्र स्थापित कीजिए। क्वेश्चन वही है, ठीक है? हमने जो चैप्टर वन में निकाला था वो निरक्षीय अक्षीय स्थिति निकाली थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला था, ठीक है? तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए, बिल्कुल एज इट इज यही वाला है। करते हैं इसको, ठीक है? मान लेते हैं कोई विद्युत द्विध्रुव है, बिल्कुल सेम ही है लगभग, ठीक है? तो हम ये मान लेते हैं कोई विद्युत द्विध्रुव है अपने पास ए बी, ठीक है? ये अपने पास कोई विद्युत द्विध्रुव है ए बी, ए बी, ठीक है? इस विद्युत द्विध्रुव के ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। इसका मध्य बिंदु क्या है? ओ है, ठीक है? इसका मध्य बिंदु क्या है? ओ है। इससे आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी है, ठीक है? यहां मान लेते हैं, ठीक है, पी है, जहां हमें विद्युत विभव का व्यंजक निकालना है, ठीक है? तो इस मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर है, ठीक है? तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? आर मीटर, ठीक है? क्लियर है इतना? इस मध्य बिंदु से मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी है, ठीक है? तो और इस संपूर्ण विद्युत द्विध्रुव की जो दूरी होती थी वो क्या होती थी? 2L, ठीक है? पढ़ाया था मैंने वहाँ पे आपको अलग से टॉपिक। तो यहाँ से लेके एल होती है और यहाँ से लेके एल होती है, ठीक है? और जो संपूर्ण की होती थी वो कितनी होती थी? 2L, ठीक है? पढ़ाया है मैंने अलग से ये आपको, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव का, ठीक है? इतना क्लियर है? तो ये आपका चित्र है, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना क्या है, मैं बता देता हूँ, मैं मुंह से बोल देता हूँ, आपको सिंपल लिख लेना है, बिल्कुल धीरे धीरे बोलेंगे। देखिए, माना कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है? माना कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ है, ठीक है? जिससे मतलब मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां हमें विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है या विद्युत विभव का व्यंजक निकालना है या विद्युत विभव का सूत्र निकालना है, कुछ भी लिख सकते हैं। और द्विध्रुव की संपूर्ण दूरी 2L है, इतना लिख देंगे आप यहाँ पे, ठीक है? उत्पत्ति करके यहाँ पे आप लिख देंगे। हम डेरिवेशन कराना सॉल्व करते हैं, ठीक है? डेरिवेशन कराना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है? लिखिए यहाँ पे, लिखिए प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है? विद्युत विभव, विद्युत विद्युत विभव, ठीक है? अब विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू 1/4πε₀ Q अपॉन R, ठीक है? यही तो होता है। तो अब हम निकाल लें प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, तो V1 मान लेते हैं उसको, ठीक है? क्योंकि अभी माइनस क्यू के लिए हम निकालेंगे तो उसको V2 मान लेंगे, ठीक है? इज इक्वल टू 1/4πε₀, तो अपने ऐसे ही आ जाएगा, क्लियर है? क्यू अपॉन, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, क्या देखनी पड़ेगी? देखिए, हमने ये जो दूरी क्या लेनी पड़ेगी आपको, दूरी को देखना पड़ेगा आपको। तो देखिए, हमने प्लस क्यू आवेश के कारण लिए ना, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जब हमने ली है तो दूरी कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी लेनी पड़ेगी आपको। प्लस क्यू आवेश के कारण ले रहे हैं तो विद्युत बिंदु पी पर निकाल रहे हैं ना, तो आपको कहाँ से लेके कहाँ तक की दूरी लेनी पड़ेगी? इससे लेके यहाँ तक की। अब इससे लेके यहाँ तक की दूरी दी हुई तो है नहीं पूरी, तो देखिए इस मध्य बिंदु ओ से और पी तक की दूरी कितनी है? आर। मध्य बिंदु ओ से पी तक की दूरी कितनी है? आर। और ओ से लेके ए तक की दूरी कितनी है? एल। तो यहाँ ए से लेके पी तक की दूरी क्या हो जाएगी? आर प्लस एल, समझ आई? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है? आर। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है? L। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो गई? R प्लस L। तो आप प्लस क्यू आवेश के कारण ले रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपको लेनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको R प्लस L। समझ में आई बात? अच्छा, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में इतनी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब लेना पड़ेगा आपको माइनस क्यू आवेश के कारण। किसके कारण? माइनस क्यू आवेश के कारण कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव क्या मान लेते हैं? V2 मान लीजिए, इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा? 1/4πε₀। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो आपने लिया है माइनस क्यू आवेश के कारण, तो आपको लेना पड़ेगा यहां पे माइनस, तो
गुणा में ही टोटल, तो इस माइनस को मैं कर लेता हूँ सीधे आगे, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अपॉन में आपको लेनी पड़ेगी दूरी। अब दूरी कहाँ से कहाँ तक की लेनी पड़ेगी यही देखना है भाई। आपने माइनस क्यू आवेश लिया है तो सीधी बात है माइनस क्यू आवेश से पी तक की दूरी चाहिए आपको, माइनस क्यू आवेश से पी तक की दूरी चाहिए, क्योंकि बिंदु पी पर विभव निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी नहीं दी हुई है ना, ओ से लेके पी तक की दूरी दी हुई है आर, ओ से लेके पी तक की दूरी दी हुई है आर, और ओ से बी तक की दूरी मिली हुई है एल, ठीक है। तो अगर मैं आर में से इस एल को घटा दूं तो कितना बचेगा, बी से लेके पी तक की दूरी, ठीक है भाई। इसमें यहां से लेके यहां से घटा दे रहा हूं ना इसको, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है अपने पास, आर है ना, तो इस आर में से मैंने यहां से लेके यहां तक की दूरी एल को घटा दिया, तो क्या बचा अपने पास, यहां से लेके यहां तक की दूरी बची, तो यही चाहिए हमें, यानी कि यहां दूरी क्या लेनी पड़ेगी आपको, आर माइनस एल। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर है, ठीक है भाई, इतना क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब निकालना पड़ेगा बिंदु पी पर कुल विभव या बिंदु पी पर परिणामी विभव। लिख लीजिए यहाँ पे बिंदु पी पर परिणामी विभव, ठीक है, कितना हो जाएगा, वी मान लेते हैं इजिक्वल टू वी वन प्लस वी टू। अब वी इजिक्वल टू वी वन कितना अपने पास भाई, वी वन अपने पास देखिए वन अपॉन ये दिया हुआ अपनों को, तो यहाँ रखिए वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल, ठीक है। और यहाँ पे प्लस वी टू कितना है, वी टू देखिए ये माइनस है तो आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा पहले इसे एक बार, माइनस वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल, ठीक है, यहाँ पे ठीक है ना, ये हो गया अपनी वी टू की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, डबल चिन्ह आया था ना यहाँ पे डबल चिन्ह, तो मैंने ब्रैकेट में वैल्यू रखी है अभी, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी खोल सकते थे यहीं पे, जब वैल्यू पुट करते तो सीधे भी खोल सकते थे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, जो कॉमन दिख रहा है वो ले लीजिए, वी इजिकल टू देखिए वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी कॉमन है, क्यू भी कॉमन है, क्यू भी कॉमन है, तो सिंपल इसके साथ क्यू को ले लेते हैं साथ में, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू मैंने इसके साथ ले लिया, एक के साथ क्यू से गुणा होगी इसके साथ यही आ जाएगा, तो मैंने क्यू भी कॉमन ले लिया यहाँ से और ये पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा वन, यहाँ पे वन ही बचा होगा, यानी कि वन अपॉन आर प्लस एल, और माइनस यहाँ पे क्या बचा होगा वन अपॉन आर माइनस एल, ठीक है, इतना ही तो बचा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद सिंपल कुछ नहीं करना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे हो जाएगा ये वी इजिक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ले लीजिए एलसीएम, ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे इसकी गुणा यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा आर माइनस एल, इसकी गुणा यहाँ पे करेंगे तो माइनस आर प्लस एल, और बटे में क्या आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि आर प्लस एल और आर माइनस एल, ये अपनों ने एलसीएम ले लिया। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा वी इजिक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ब्रैकेट खोलिए आर माइनस एल, इसका ब्रैकेट खोलिए, यहाँ पे खोलेंगे तो माइनस आर और यहाँ खोलेंगे तो माइनस एल, ठीक है, अपॉन में क्या रहेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे रहेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, पता होगा आपको, ठीक है। अब इस आर से ये आर आर अपना कट जाएगा, ठीक है, ये आर अपना कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा कितना क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2L, ध्यान से देखिए माइनस का 2L हो जाएगा, तो यहाँ पे कर दीजिए माइनस का 2L अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्यों हो जाएगा भाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, वहां पे हम क्या करते थे, अगर अक्षीय स्थिति में जब हम करते थे वहां पे जो था अपना आर स्क्वायर इज लेस देन एल स्क्वायर, ठीक है, मतलब आर जो ग्रेटर देन था, मतलब आर जो था वो एल स्क्वायर से बहुत बड़ा था, तो यहाँ पे क्या कर देते थे हम एल स्क्वायर को छोड़ने पर, एल स्क्वायर को छोड़ते थे या फिर एल स्क्वायर जीरो हो जाता था, ठीक है, तो यहाँ पे कर दीजिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर, तो यहाँ पे जब एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा केवल आर स्क्वायर, इतना बचेगा। अब यहाँ पे ये गुणा में है, ठीक है, गुणा में था, इसको न्यू पेज पे लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू क्या जाएगा, इसको आगे कर लीजिए माइनस को, तो यहाँ पे जाएगा माइनस वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस क्यू को आप इसके साथ कर लीजिए, तो यहाँ पे जाएगा 2QL अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस माइनस का जो चिन्ह है इसको छोड़ने पर, ठीक है,
तो लीजिए माइनस, इग्नोर कर दीजिए माइनस को आप, इग्नोर इग्नोर, ठीक है, माइनस को आपको एक तरीके से इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा वी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन एम नॉट, और टू क्यू एल क्या होता है, टू क्यू एल होता है पी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बताया था आपको मैंने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको ध्यान होगा। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो यहाँ पुट कर देंगे पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, विद्युत विभव का व्यंजक हो जाएगा अक्षीय स्थिति पे, ठीक है। तो इतना आपको कर देना है और आपके पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा, कहीं दिक्कत हुई होगी तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, इसका सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा अलग से। थोड़ी मेरी तबीयत खराब हुई पड़ी है अभी, उस वजह से थोड़ा बोला नहीं जा रहा तेज, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका सॉल्यूशन आपको अलग से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है।